कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया संत थियोडोसियस का पर्व मनाती है। 30 वर्षों तक उन्होंने अपना जीवन एक तपस्वी बनकर एक गुफा में बिताया। कहा जाता है कि वह गुफा 3 ज्योतिषियों की गुफा थी, जहां पर उन्होंने अपना समय बिताया था, क्योंकि यह गुफा यरूशलेम तथा बैतलहम के बीच में पड़ती है। इसलिए इस गुफा को ज्योतिषियों की गुफा भी कहा जाता है। संत थियोडोसियस का जीवन पवित्र था और प्रभु के वचनों के अनुसार वे अपना जीवन बिताया करते थे। उनके पवित्र जीवन को देखते हुए कई नौजवानों ने एक साथ उनका शिष्य बनने का निर्णय किया, जिसके चलते उन्होंने एक मठ की स्थापना की। उनके इस मठ में विशेष रूप से संत बसिल के मठ के नियमों का पालन किया गया। धीरे धीरे यह स्थान कई शिक्षा का एवं कई लोगों की मदद का एक छोटा शहर बनता चला जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर लोगों को कई प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, उन्हें कई प्रकार का कौशल्य सिखाया जाता था, ताकि वे अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा सके। उन्होंने अस्पताल की स्थापना की और लोग वहाँ पर आकर चंगाई प्राप्त करने लगे, कई प्रकार के चमत्कार होने लगे और इस बात की चर्चा दूर दराज के इलाकों में होने लगी। वे गरीब निसहाय लोगों को भोजन मुफ्त में कराया करते थे। उनके पास भोजन खत्म नहीं होता था, भले ही कितने ही संख्या में लोग आ जाएं, परंतु कोई भी भूखे पेट वहां से नहीं जाता था, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद उन पर और उनके कार्यों पर बना रहता था। एक बार महामारी आई और लोग भूख प्यास से मरने लगे, तड़पने लगे। तब संत ने प्रार्थना की और वह महामारी वहाँ से दूर चली गई। उनकी मृत्यु 11 जनवरी 529 में 105 वर्ष की उम्र में हुई। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम इस संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी विशेष रूप से लोगों की सहायता के लिए हो। हम विशेष रूप से भूखे लोगों को भोजन कराएं, जिससे हम प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें।